हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग वापस से थोड़ा मार्केट के ऊपर चर्चा करते हैं और फंडामेंटली बात करते हैं, ठीक है? क्योंकि टेक्निकली तो आप और हम सबको पता है कि जो रैली है बहुत ज़बरदस्त चल रही है। इथेरियम की थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत थी, जो मैंने कल ट्विटर पर भी कहा था कि यहाँ से जो इथेरियम की जो रैली है आराम से 850 के आसपास जा सकती है। ओके, BTC की शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले इथेरियम से करते हैं, क्योंकि इथेरियम जो है वो अचानक से भागने पे तुला हुआ है, मतलब बहुत तेज़ी से भाग रहा है। अब 2 दिन भी नहीं हुए, 550 के आसपास आया था। ओके, उसके बाद 650, अब 741। ओके, तो जस्ट रफली पकड़िए 750 के आसपास ही गया है। ओके, और राइट नाउ ये अभी 730 के आसपास चल रहा है। तो जस्ट रफली पकड़िए कि $200 की इथेरियम में छलांग। ओके, यानी कितना परसेंट की ग्रोथ है इसके अंदर। तो जिसने भी सही टाइम पे, सही वक्त पे इथेरियम में लॉन्ग पोजीशन ओपन की होगी या की है, इनफैक्ट 600 के आसपास भी की होगी, 650 पे भी की होगी, तो गजब का प्रॉफिट है भाई। 2x, 3x, 5x पे भी बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट है। हम बात करते थे पहले कि अगर इथेरियम में $10, $15 भी ऊपर नीचे हो जाता है लेवरेज पे, तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट होता है। ये तो $200, $150। तो इसलिए हम हमेशा बात करते थे, यार BTC की रैली तो इतनी अच्छी खासी निकल गई, इथेरियम क्यों शांत बैठा है? तो शांत नहीं बैठा है, वो मौके की तलाश पर रहता है। और अब इसने अपनी एक रैली पकड़ ली है, क्योंकि जब BTC एकदम स्पीड में था तो क्या रहता, सारा इन्वेस्टमेंट BTC के अंदर रहता था। तो अब थोड़ा सा वो एक हॉल्ट किया हुआ है BTC ने, मतलब कि एक रेंज पे आया है। तो नाउ इट्स टर्न फॉर इथेरियम, और इथेरियम ने अच्छी खासी रैली पकड़ ली है। ओके, और दूसरी चीज़ इथेरियम के अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि इसको 200 मूविंग एवरेज का अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर ये 712 के आसपास भी आता है तो थोड़ा सा एक होशियार रहना उस लेवल पे, क्योंकि वो 200 मूविंग एवरेज का एक लेवल है। तो वहाँ से उस सपोर्ट पे हिट करके ये बाउंस बैक ले सकता है, क्योंकि इतनी आसानी से मेरे हिसाब से 200 मूविंग एवरेज नहीं तोड़ेगा। ओके, तो 712 के आसपास जा सकता है, फिर वहाँ से ऊपर ले सकता है। अगर 712 से काफ़ी तेज़ी से अगर नीचे गिरता है, 700 से नीचे गिरता है, डेट मीन्स 200 मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है उन्हें लो टाइम फ्रेम, यानी कि 5 मिनट के चार्ट पे। तो आप थोड़ा सा होल्ड करना, वेट करना, मार्केट को स्टेबल होने था, देन यू शुड टेक एंट्री, ठीक है? लेकिन मेरे हिसाब से देखिए, मैं आपको क्लियर कट ये बोलता हूँ, जो मुझे दिख रहा है ऑन चार्ट्स या कुछ दूसरे एक्सचेंजेस पे भी मुझे दिख रहा है, मैं बताऊँगा अभी आपको। अभी जो है रिटेल इन्वेस्टर जो है उसका फोमो भी नहीं आया है, ठीक है? ये 2017 से पूरा उल्टा है। 2017 में क्या था, रिटेल इन्वेस्टर जो थे, जो आप और हम थे, हमारा फोमो चल रहा था, हम घुसते जा रहे थे। उस समय इंस्टीट्यूशनल जो वाले थे वो लोग देख रहे थे। अभी चीज़ें उल्टी हो गई, अभी इंस्टीट्यूशनल वालों में फोमो लगा है कि पहले कौन BTC अपने कब्जे में ले। ओके, और हम लोग अभी देखने क्या करना है। तो बस मैं यहाँ पे यही एडवाइस कर सकता हूँ, मैं दूसरों की तरह ये तो नहीं बोलूँगा कि भाई यहाँ बाय कर लो, बिकॉज दिस इज़ द पीक। ओके, थोड़ा सोच समझ के बाय करना, ये जो लेवल है बहुत हाई लेवल है। ओके, और वी नेवर नो वेल्स आगे क्या कर सकते हैं, मार्केट में क्या मैनिपुलेशन हो सकती है, और कोई भी बड़ा वेल है जिसने अच्छी खासी BTC है उसके पास, या कोई भी बंदा है जिसके पास अच्छी खासी वॉल्यूम है, अगर वो वहाँ से प्रॉफिट बुक करते हैं तो प्राइस नीचे आ सकता है। तो ऐसा ना हो जाए कि हम वापस एकदम पीक पर अटक जाए। ओके, तो अगर लेने का मन है थोड़ा सा इंतज़ार करो, प्राइस थोड़ा सा नीचे रिट्रेस होगा। ओके, तो उसके बाद आप इसमें थोड़ी सी एंट्री ले सकते हैं। और राइट नाउ अगर मैं BTC की बात करूं, अगर मैं चार्ट पे देखूं, 27,313 के आसपास ही चल रहा है। जो VWAP की जो लाइन है, ओके, उसने 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया है। ओके, नीचे की तरफ, यानी कि 200 मूविंग एवरेज ऊपर हो गया है, और VWAP की जो लाइन है जो इंडिकेट करती है, जो एक मैंने वीडियो बनाई थी कि हम एक बुलिश जोन के अंदर हैं कि बेरिश जोन के अंदर हैं, तो अभी जो है प्राइस से तो नहीं, लेकिन 200 मूविंग एवरेज के नीचे VWAP की लाइन आ गई है। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच, अभी क्या कर सकते हैं। और अगर मैं आवरली चार्ट देखता हूँ तो उसमें कुछ रेड कैंडल्स हमें दिखे हैं BTC के चार्ट के अंदर। तो बस यहाँ पे वेट करना है, और मैं यही कहूँगा कि ये साल को कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद देखते हैं कि चार्ट्स पे क्या दिखता है, क्या सिनेरियो बनता है, देन वी शुड टेक एंट्री इन BTC। और इथेरियम के अंदर अगर आप पूछेंगे कि अभी क्या करना है, ओके, बाय करना है कि नहीं करना है, तो फिर वही बात हो जाती है कि पहले आप करते रहते हैं, ट्रेन निकल जाती है, ठीक है, और कुछ फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है? तो ये अब जब प्राइस हाई हो जाता है तो उस समय द
तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। हाई लेवल पर बाय करने का कोई वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। थोड़ा सा एक रिट्रेस आने दो, उसके बाद हम इसको बाय कर सकते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मार्केट में सेंटीमेंट्स क्या हैं, तो थोड़ा हमें एक्सचेंज के ऊपर से मालूम पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ जिक्र करूँगा वो भी जो प्लेटफॉर्म है एक्सचेंज है, उसके बारे में बात करूँगा। काफ़ी अच्छा एक्सचेंज है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है। और सबसे पहले अगर एक्सचेंज की बात करूँ तो 7 साल पुराना है, इसमें अभी तक ना कोई डाउन टाइम हुआ है, कोई हैक वगैरह कुछ नहीं हुआ है। और दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये जो नाम है हुओबी, ये बहुत बड़ा नाम है और इसकी काफ़ी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं और सबको गवर्नमेंट की लाइसेंस वगैरह मिल चुकी है। और क्रिप्टो से रिलेटेड इनके कुछ अच्छे खासे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ओके। जैसे कि डेफी से रिलेटेड आ रहा है, ETP आ रहा है, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स, इसके बारे में बताऊंगा। बहुत बढ़िया है अगर आप मार्जिन या लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये एक्सचेंज काफ़ी अच्छा है, आप लोग भी रिफ़र कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कहूँगा कि यहाँ पे इसके भी एयर ड्रॉप्स वगैरह निकलते रहते हैं। और एक टाइम था जब हम एयर ड्रॉप को देख के 2017 में बहुत पीछे पड़ते थे, फिर एक टाइम आया कि नहीं, एयर ड्रॉप कहीं से मिला तो कुछ नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि ये सब फालतू होते हैं। अब जो टाइम आ रहा है, एयर ड्रॉप जो हो रहे हैं ये चमत्कार दिखा रहे हैं गजब के, ओके। 1 इंच का ले लो, उससे पहले यूनी का ले लो, $1200 का प्रॉफिट, $650 का प्रॉफिट, ठीक है। तो इस एक्सचेंज के भी जो टोकन्स हैं, एयर ड्रॉप्स, वो सब मिलते हैं। और इसका जो एक टोकन है वो भी प्लेटफॉर्म टोकन जो बोलते हैं, जो पूल होता है, एक माइनिंग जो पूल होता है उसके अंदर उसका यूज़ होता है, और ये रिवार्ड की तरह वो भी के जितने यूज़र्स होते हैं उनको मिलता है। तो ये भी अच्छा टोकन है, इसके ऊपर भी नज़र रखना। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ इसके बारे में, कि यहाँ पे होबी के ऊपर आप Ethereum 2 की स्टेकिंग से अच्छा खासा रिवॉर्ड ले सकते हैं। अब नॉर्मली देखिए, पहले Ethereum की जब हम स्टेकिंग करते थे तो उसमें क्या रहता था कि आप अगर खुद के नोड पे कर रहे हैं, ओके, तो आपको टोटल 32 Ethereum चाहिए रहता है। 32 Ethereum यानी कि आज की तारीख में गिन लो 740 के हिसाब से कितना रुपया लग जाएगा, ओके। तो सबके बस की बात नहीं होती थी स्टेकिंग करना और उसमें से भी रिवार्ड्स निकालना। अब यहाँ पे होबी के प्लेटफॉर्म पे क्या है कि आप मिनिमम 0.1 Ethereum से स्टेकिंग कर सकते हैं और उसमें से आपको रिवार्ड मिल सकता है। मतलब कि आपने छोटी सी अमाउंट डाली और भी लोगों ने डाली, एक पूल के अंदर फंड इकट्ठा हुआ और उसमें से स्टेकिंग हुआ। एज ए वैलिडेटर आप जो भी Ethereum 2 की जो चेन है उस पर चीज़ों को वैलिडेट करते हैं, तो उसमें से आपको अच्छा खासा रिवार्ड मिलता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और इसके बाद Bcoin Ethereum जो है, BETH जो है, वो भी एक आ जाएगा और वो भी जल्दी उसकी ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी आप अच्छा खासा उसमें से रिवॉर्ड मिलेगा, तो आप अच्छा खासा बेनिफिट कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेकिंग है इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर ट्रेडिंग समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, नुकसान हो रहा है, तो बेटर है कि Ethereum स्टेकिंग पे जाओ और वहाँ पे डाल दो और प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा। इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो लमसम लिखा गया है कि 12-15% के आसपास आपको रिटर्न इसके अंदर अच्छा खासा मिल सकता है। इसके अलावा इनका एक और अच्छा खासा एक प्रोडक्ट है ETP, एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स, एक तरह का ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं। तो ये एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स हैं, दिस इज नथिंग बट म्यूचुअल फंड्स की तरह होते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि NAV होता है, नेट एसेट वैल्यू होता है, उसी तरह इसके अंदर भी नेट एसेट वैल्यू होता है, NAV। यहाँ पे क्या होता है, अगर हम फ्यूचर्स की बात करें, मार्जिन्स की बात करें, तो वहाँ पे क्या रहता है कि हमें लेवरेज लेना पड़ता है, हम ट्रेड करते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे लिक्विडेट होने की, और लिक्विडेट हो भी जाते हैं आजकल के, ओके। जिस तरह से मार्केट चल रहा है, स्टॉप लॉस ना रखो तो आराम से लिक्विडेट हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि फंड चले गया। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप विदाउट कोलेटरल फंड्स आप BTC जो है उसको 3x का ट्रेड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो सिक्योरिटी है BTC.3x, इसका मतलब कि आप BTC को 3 टाइम्स लॉन्ग कर रहे हो। मतलब ये नहीं कि आपको उतना ज़्यादा फंड चाहिए, हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे बेस्ड ऑन दी नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसको हम ओपन करते हैं, तो ये एक नई चीज़ है, इसको देख लेना, समझ लेना और बढ़िया लगे तो ही इसके अंदर करना। जैसे कि ये BTC-3 का मतलब क्या होता है कि BTC को हमने 3x के साथ शॉर्ट कर रहे हैं, ओके। इसका मतलब ये नहीं कि आपको रियल BTC की उतनी ज़्यादा अमाउंट चाहिए, और यहाँ पे लिक्विडेशन का टेंशन भी नहीं रहता है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मैं आपको लॉन्ग का ही बता देता हूँ कि
इसमें जो बास्केट होता है, फॉर एग्जांपल बहुत कितने ज़्यादा लोग BTC 3 को सब्सक्राइब किया हुआ है, मतलब उन्होंने इसको होल्ड किया हुआ है कि हाँ यहाँ से BTC प्राइस ऊपर जाएगा तो हम इसको होल्ड करते हैं, जिनको लगता है कि शॉर्ट हो रहा है तो वो BTC -3 वाले पे जाते हैं। ओके अब BTC क्योंकि सिनेरियो काफ़ी बुलिश है, तो यहाँ पे अगर आप BTC लॉन्ग की जो प्राइस देखेंगे तो वो उसके NAV यहाँ पे देखिए आप 141 के आसपास चल रहा है। ओके मतलब कि एक तरह का प्रीमियम है। अगर आपने स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस वगैरह में किया होगा तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी को जब हम कॉल ऑप्शंस लेते हैं अच्छा जाता है तो उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती है प्रीमियम की। उसी तरह अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और आप अगर पुट ऑप्शन लेते हैं तो जितना पास होगा उतना ज़्यादा प्रीमियम होगा। ओके तो डिपेंड अपॉन द ट्रेंड। तो यहाँ पे जो ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो इसकी जो प्रीमियम है यानी कि NAV वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर मैं आपको शॉर्ट की बताऊँ, यानी कि हमने यहाँ पे क्लिक किया है तो वो देखिए शॉर्ट की जो वैल्यू है 0.1590 के आसपास है USD में। ओके यानी कि कितनी नीचे है, यहाँ पे आप ग्राफ भी देख सकते हो। ओके तो इसमें कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल है। एसेट मैनेजमेंट स्केल मतलब कि अभी जो बास्केट में कितने ज़्यादा USDT हैं और कितनी लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया है और कितनी वॉल्यूम में BTC 3 सब्सक्राइब्ड है, वो है 2,88,902। तो एसेट मैनेजमेंट स्केल डिवाइडेड बाय BTC सब्सक्राइब जो होता है वो आपको नेट एसेट वैल्यू निकाल के दे देता है। ओके तो इसको भी आप ट्रेड कर सकते हैं इनके एक्सचेंज पे। राइट नाउ BTC, इथेरियम और लिंक अवेलेबल है, लॉन्ग शॉर्ट इस हिसाब से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे लिक्विडेशन की टेंशन इसलिए नहीं होती इतनी क्योंकि जो फंड को जो मैनेज हो रहा है, ठीक है, जो बास्केट फंड है उसको मैनेज किया जाता है, और जिस तरह से प्राइस नीचे आता है या ऊपर आता है तो जो ऑटोमेटिक जो लेवरेज है वो सेट करते हैं। मतलब कि 4x की लेवरेज चल रही है तो उसको 2x कर देंगे, 2x है अगर प्रॉफिट अपने चल रहे हैं तो 4x करके उसको बढ़ा देंगे, तो इसी हिसाब से उसको करते हैं। और इसमें अगर रिस्क की बात करते हैं, जो मैंने बात की, तो रिस्क ये है कि ये जो NAV है अगर बहुत तेज़ी से मार्केट बहुत गिरता है तब जाके कहीं ज़ीरो हो सकता है उसकी वैल्यू। ओके अदरवाइज़ ये फ्लक्चुएट करता रहता है। ओके और इसके अंदर हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, इसको होल्ड कर सकते हैं। इसकी जो फीस है यहाँ पे आप देख सकते हैं, डेली जो फीस ये चार्ज करते हैं 0.035% के आसपास करते हैं। ओके तो इस चीज़ को ट्राई करना चाहिए, लिक्विडेशन का टेंशन नहीं है और बेनिफिट इतने अच्छा खासा मिल सकता है आपको। हमको दिख रहा है कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है, देन वी शुड गो विथ BTC 3, 3x लॉन्ग को पकड़ना है। ओके इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम इसकी क्वांटिटी डाल सकते हैं। एक क्वांटिटी डालेंगे तो उसकी वैल्यू जो लगेगी 139 के आसपास लगेगी। ओके तो आप अपने हिसाब से इसमें जितना है क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, और जैसे प्राइस ऊपर जाएगी तो आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर BTC का प्राइस 5% बढ़ता है और ये 3x है तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, आपको 15% का बेनिफिट मिलेगा। BTC अगर 10% बढ़ता है तो आपको 30% का प्रॉफिट होगा। ठीक है तो ये इसके अंदर खासियत है, तो इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बढ़िया लगे तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और इस वेबसाइट की जो लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन वगैरह में मैं दे दूंगा, जाके एटलीस्ट एक बार साइन अप कर लेना। $170 इस पर मिल रहे हैं साइन अप करने के बाद, और दूसरे इनके टोकन्स रिवार्ड्स वगैरह मिलते रहते हैं। इसके लिए मेरे हिसाब से अब थोड़ा फोकस करने वाली चीज़ है, अच्छे एक्सचेंज को पकड़ो, उनके टोकन्स को पकड़ो। और दूसरी चीज़ कि हर एक एक्सचेंज जो है राइट नाउ वो कोशिश कर रहा है मार्केट में अपना पैर जमाने की। ओके क्योंकि सबको पता है क्रिप्टो के अंदर पैसा बहुत है, अब वो अपने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, अच्छे अच्छे सर्विस लेके आ रहे हैं ताकि उनको यूज़र्स मिले, तो उनको बेनिफिट मिल रहा है, तो हमें भी वो सारे प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना है जहाँ पे अच्छा खासा बेनिफिट मिल सके। ठीक है तो ये मैं जैसे हुओबी की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म्स और भी एक्सचेंज है जहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं और वहाँ पे बहुत अच्छा खासा लोग पैसा कमा रहे हैं। ठीक है तो बहुत सारे लोग क्या है अभी सिर्फ बाइनेंस के ऊपर चिपके हुए हैं, ठीक है कि हाँ बाइनेंस पे ये करना है, बाइनेंस पे ये करना है, लेकिन दूसरे एक्सचेंज को पकड़ो, देखो उसमें क्या बढ़िया है और वहाँ पर ट्रेड करो। कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो आपको बाइनेंस पे नहीं मिलेंगे, वो आपको यूनिस्वैप पे मिलेगा, यहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा, जहाँ पे बहुत अच्छी खासी ट्रेडिंग हो रही है, 50-50% ऊपर जा रहा है। ओके वही मैं कहूँगा। तो आई होप ये मैंने आपको बता दिया है हुओबी के ऊपर, इसको ट्राई करना, ETP को ट्राई करना, और इथेरियम स्टेकिंग जो है उसके ऊपर भी थोड़ा वर्कआउट कर लेना, देख लेना बढ़िया लगता है तो करना। सेफ फंड है, उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, और स्टेकिंग में तो मेरे ख्याल से उसमें कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है क्योंकि उसमें आपको अच्छा खासा एक इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है एक तरह का वो फिक्स डिपॉजिट समझ लो। ओके रिवार्ड्स आपको मिलते रहेंगे, और उसके बाद बिकॉन इथेरियम जो रहेगा उसके चेन के ऊपर भी आपको वो मिल सकता है 1:1 के रेशियो के हिसाब से। ओके
लेटेस्ट न्यूज़ में तो बस यही दिख रहा है कि बाइनेंस लिस्ट यूरोपियन स्टाइल बिटकॉइन ऑप्शंस। ओके, यानी कि अब आ गया यहाँ पे कॉलर पुट की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आ गया यूरोपियन स्टाइल, यानी कि हमारे जो निफ्टी में रहता है सीई और पीई रहता है, तो अब यहाँ पे भी मेरे ख्याल से यूरोपियन स्टाइल बिटकॉइन ऑप्शंस आ गया है। देखो, वापस से मैं ये कहूँगा, जब तक चीज़ें समझ ना आए, कॉल और पुट ऑप्शंस जो होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं। प्रॉफिटेबल होते हैं लेकिन बहुत खतरनाक होते हैं। इसके लिए चीज़ों को समझ लेना, देन ओनली गो। अदरवाइज मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि एक सीधी सादी बस ट्रेडिंग करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, पैसा कमाओ, बाकी ये सब लालच में उतना मत पड़ना। ओके, सो राइट नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इथेरियम पे फोकस करने को कहा था, पर वो अभी 725 730 के आसपास है। ओके, अब थोड़ा सा अगर नीचे आता है तो हम इथेरियम के अंदर हाथ डालेंगे, बिकॉज 741 गया ये। ओके, 741 गया, इसका मतलब 800 ये 100% टच करेगा, मेरे हिसाब से, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको 850 के आसपास बोला है, अब अभी मत करो, लेट इट कम, थोड़ा रेस्ट लेने दो, नीचे आने दो। जब ये नीचे आ जाता है, अगर वापस से 650 660 के आसपास आता है, मैं आपको कहूँगा कि एक लॉन्ग बिट डाल के रखो 650 660 के आसपास। ओके, अगर वो बाई चांस एक स्पाइक आता है, हिट होता है और ऊपर जाता है, अच्छा खासा मुनाफा मिल जाएगा। अगर हिट होता है उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस डाल के रखना, ज़्यादा लंबा मत खींचना। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है देन एक्सिट, फिर वापस से नीचे आता है देन टेक अगेन। ओके, भले आप $50 का नुकसान हो रहा है, होने दो, लेकिन लॉस को लंबा मत खींचना। हम एक उस डिप पे जाएंगे जहाँ पे हिट होके एक लंबी छलांग आएगा, ठीक है? तो मेरा वो हिसाब से रहेगा, और कम से कम मैं 800 के आसपास इसको देख रहा हूँ, इथेरियम को। और XRP के बारे में बात करेंगे, XRP को मैं यहाँ पे यही कहूँगा आप लोग से कि इसकी जो रेस्टिंग लेवल थी 0.30 0.35 के आसपास, अभी 0.29 के आसपास है। अगर 20 सेंट से नीचे आता है तभी इसको उठाना है, नहीं तो नहीं। ओके, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि ये 35 के आसपास ये टिका रहेगा, 60-70 जाना अभी बहुत मुश्किल है। ओके, तो XRP को 20 के नीचे आएगा अलर्ट डाल दो, देन ओनली उसको टच करना। ओके, इसके बाद और कौन से कॉइन के बारे में हम बात करें, हम बात करते हैं ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। भैया ये तो बड़ा गजब का निकला, ट्रॉन भैया का आज एक अनाउंसमेंट भी हो गया है कि कुछ तो नया लेके भी आ रहे हैं, और उन्होंने अनाउंस भी किया है क्या लेके आ रहे हैं। बट लेट मी चेक ऑन चार्ट्स, ट्रॉन का क्या दिखता है, 109 के आसपास चल रहा है। ओके, और कल इनकी न्यूज़ आई, 97 से ये भागा, और कितना भागा ये यहाँ से, 97 से भागा 15, 18% की छलांग हुई। उसके बाद लोगों ने यहाँ से प्रॉफिट बुक किया, लोगों ने इसको होल्ड नहीं किया है, ठीक है? क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रॉन के अंदर लोग कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे कि भैया ये वापस से उल्टा उल्टा ना पड़ जाए। 105 तक आ गया, 105 से वापस 112 है, 112 से वापस से यहाँ पे ये 107 के आसपास आ रहा है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से मैं तो नहीं रेकमेंड करूँगा ट्रॉन को, स्टार्टिंग से मैं नहीं करता हूँ ट्रॉन को, TRX को, ठीक है? बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसमें हाथ डाल सकते हैं, बट अगर हाथ डालना ही है तो और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं, ठीक है, टोकन्स अवेलेबल हैं, उनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेफी के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए, डेफी के जो कॉइन्स हैं उसमें अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, बॉटम मिल रहा है तो उसको ले लो, और मैं स्पॉट में ही रेकमेंड करूँगा, मैं फ्यूचर में अभी ट्रेडिंग आप लोग को नहीं बोलूँगा, ठीक है? ये थी यार छोटी सी अपडेट्स। ओके, एंड आई एम श्योर कि आप सभी लोग क्रिप्टो के अंदर बढ़िया कर रहे हैं, और कोशिश ये करना कि प्रॉफिट को बुक करते रहो। बहुत सारे लोग कहेंगे कि होल्ड करो होल्ड करो और ऊपर जाएगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हो तो वो प्रॉफिट नहीं होता है, वो ऑन पेपर होता है, ठीक है? जैसे मैंने पेपर पे लिख दिया कि 40,000, ठीक है, 40,000 आपको मिला, मेरे को मिला नहीं, वो मैंने पेपर पे 40,000 लिखा हुआ है, ठीक है? जैसे चेक देते हैं ना, जब चेक को हम बैंक में डालते हैं तब हमें पैसा मिलता है, तो उसीलिए मैं कहता हूँ कि जब हाथ में रियल पैसा आ जाए, कैश आ जाए ना, डेट इज़ कॉल्ड द प्रॉफिट, बिकॉज वी नेवर नो दिस मार्केट आगे क्या हो सकता है। ओके, क्योंकि ऊपर जो है कोई रेजिस्टेंस नहीं है, खुला आसमान है, ठीक है? ये इनकी मर्जी, ये कितना ऊपर इसको लेके आएंगे, और जब इनको एक सही लेवल लगेगा तो वहाँ से ये नीचे गिरा सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर 30,000 के आसपास जाता है तो वहाँ से अच्छा खासा हमें इसमें करेक्शन देखने को मिल सकता है, 20-25% के आसपास मिल सकता है मेरे हिसाब से, जब प्राइस आएगा 20,000 के आसपास आएगा।
और अगर नीचे आता है और 20,000 से ऊपर रहता है तो इसका मतलब ये समझ लो कि 20,000 जो रहेगा वो हमारा एक सपोर्ट होगा, क्योंकि 20,000 को जब इसने तोड़ा तो उसके बाद वापस से 20,000 को इसने रिटेस्ट नहीं किया, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी एक अच्छे लेवल को ब्रेक करता है तो वापस उसको एक दो बार तो टेस्ट करता है, लेकिन ब्रेक किया है अभी तक टेस्ट नहीं किया 20,000 को। ओके, तो लेट्स वेट एंड वॉच कि आगे क्या होता है, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बस ये सारी बातें आप लोगों के साथ करनी थी, और इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आएंगी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे, तब तक टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।